फैमिली, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे बोलते हुए कि मुझे पाकिस्तान से भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, पाकिस्तान में भी लोग मुझे देख रहे हैं। मुझे इतनी बड़ी खुशी हो रही है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इंडिया के हर कोने से, बहुत अलग अलग जगह से, जैसे आसाम, बांग्लादेश, मेरे बहुत सारे ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं, दीदी मैं यहाँ से हूँ और आपकी वीडियोस हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तहे दिल से मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, मेरी यूट्यूब फैमिली, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मुझे कमेंट्स आते हैं, दीदी हमें पाकिस्तान में ना हिबिस्कस पाउडर नहीं मिलता है तो हम क्या करें, जटामासी हमें नहीं मिलता है पाकिस्तान में तो हम क्या करें। तो डियर, अमेजोन एक वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन शॉपिंग है। मुझे लगता है कि मैं अमेजोन से अगर किसी चीज़ों को बाय करती तो आप भी इसे बाय कर सकती हैं, और अमेजोन पे हर एक चीज़ अवेलेबल हो जाती है। जैसे मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक तो नहीं दे पाती हूँ, समटाइम्स मैं काम में बिजी हो जाती हूँ, बट आप लोगों के लिए मैं ट्राई करूँगी आगे वीडियो में आने वाली वीडियोस में कि आप लोगों के साथ में मैं वो सारी जो चीज़ें हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँ। ठीक है, आज की रेमेडी के बारे में बात करते हैं। बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ये आपके नेचुरल तरीके से बालों को इन्हांस करने के लिए, बाउंस देने के लिए, साथ ही साथ आपके बालों को कलर भी देने वाले हैं। सो चलिए आज की वीडियो और रेमेडी को हम देख लेते हैं कितना पावरफुल है, और इसे इम्प्लीमेंट करके अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। आप लोगों के प्यारे प्यारे कॉमेंट्स के लिए लव यू ऑल, और जिसने लाइक किया है बिंदु का बहुत सारा प्यार, और इसी तरह से प्लीज सपोर्ट करते रहिएगा। सो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्रेंड्स ले रही हूँ हर्बल मेहंदी, जो कि पतंजलि का है। ये प्रिवेंट करता है प्री मैच्योर ऑफ ग्रेइंग हेयर से। सो मेरा फेवरेट है पतंजलि का जो केश कांति, ये हर्बल मेहंदी आपको ईजीली मिल जाता है। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते, कुछ 30 से 40 रुपीज़ के अंदर, मीन्स 30-40 रुपीज़ के अंदर आपको ये मिल जाती है पतंजलि की मेहंदी। और थोड़ी बहुत देखिए, मैंने इसे काफ़ी टाइम से स्टोर करके भी रखा हुआ है, जैसे कि फ्रिज में मैं रखती हूँ हर चीज़ों को। तो थोड़ी जो गांठें हैं उसको अच्छी तरह से आप क्या कर लीजिए, इस तरह से तोड़ लीजिए। ठीक है, अगर आप अपनी मेहंदी को ना फ्रिज में स्टोर करके रखेंगे ना, बहुत अच्छा रहता है। इसे कभी भी आप बाहर मत रखिए, क्या होता है ना, फंगस लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब आप कभी बाहर रखी हुई मेहंदी को यूज़ करोगे तो आपके स्कैल्प के लिए भी वो अच्छे नहीं होते हैं। ठीक है, इसीलिए कभी भी जब भी आप स्टोर से मेहंदी वगैरह लेकर के आएँ तो उसे मेक श्योर कि आप अपने फ्रिज में जरूर स्टोर करके रखिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लेना है जटामासी। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे जटामासी का यूज़ करती हूँ, काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ। मीन्स मैं, अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं अगर टीनेजर थी, 13-14 ईयर की थी, तब से मैं जटामासी का इस्तेमाल कर रही हूँ। क्योंकि आप सभी लोगों को मैंने बताया, जैसे मेरे नाना जी जो आयुर्वेदा के जो डॉक्टर थे, मेरी मम्मी जो है ना वो हमेशा इन चीज़ों को लेकर पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। तो मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा थिक और बाउंसी बचपन से ही थे। थोड़े बहुत जो प्रेगनेंसी के बाद जो बाल जले जाते हैं या फिर किसी भी हार्मोन इनबैलेंस की वजह से, फिर भी अपने बालों को रीस्टोर करने का, बालों को लंबे समय तक काला बनाने का जटामासी बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, अब देखिए हमने जटामासी ले लिया, 2 से 3 चम्मच जटामासी ले लीजिए। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, जैसे कि आपने देखा, ये है कत्था पाउडर। जी हाँ दोस्तों, बालों को अगर कलर करने की जब बात होती है तो यहाँ पे आप कत्था पाउडर ज़रूर इस्तेमाल करें। ब्राउन कलर वाली मिलती है, ब्लैक कलर वाली मिलती है, दोनों भी आप यूज़ कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैंने, जैसे कि जो पानी मैंने आप लोगों को बताया ना यूज़ कर रही हूँ मैं, ये वाटर आपको भी यहाँ पर प्रिपेयर करना है। अब वाटर प्रिपेयर करने के लिए 1 कप पानी लेना है आपको यहाँ पर, और यहाँ पर चाय की पत्ती डालना है। इससे आपके बाल बहुत ज़्यादा सिल्की, सॉफ्ट और शाइनी होते हैं। बालों को कलर देने का भी बहुत अच्छा काम करती हैं। ठीक है, जब भी आप मेहंदी को प्रिपेयर करो तो बिल्कुल इसी तरह से बनाइएगा। फेन्युग्रीक, मेथी दाना जरूर ऐड करें। इससे क्या होगा कि आपके जो बाल है ना उसमें लश्यर होगी, बालों में जो एक प्रोटीन होता है ना वो भी ये आप प्रोवाइड करेगा मेथी दाना। ठीक है, मेथी दाना मस्ट है दोस्तों, आप इसे कंपलसरी ज़रूर ऐड करिएगा। इससे क्या होगा, आपके जो बाल एकदम से सिल्की सॉफ्ट, आपके बालों की जो स्ट्रैंड्स होती है ना वो मजबूत होती है। मीन्स अगर आपकी चोटी मोटी करनी है तो मेथी दाना ज़रूर इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब फिर से हमें क्या करना है, यहाँ पे करी पत्ते के पाउडर लीव्स ले लेने हैं। अगर आपके पास पाउडर अवेलेबल है तो आप पाउडर भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरह से इस वाटर को प्रिपेयर करना है। जैसे एक पूरा 1 कप जो पानी है वो आधे कप में आपको टर्न कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बीच में और भी वाटर ऐड करूँगी। आप यहाँ पे 2 कप के तकरीबन यहाँ पे पानी ऐड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमें अच्छे खासे मेहंदी यहाँ पे मैंने ली है और उसे भिगोना है
आप जैसे आपके हेयर लेंथ अकॉर्डिंग आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो। मेरे बाल काफ़ी लंबे हैं और मैं अपने हस्बैंड के बालों पे भी इसे आपको अप्लाई करके बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमारा जो वाटर है वो धीरे धीरे से प्रिपेयर हो चुका है। अब क्या करना है, आपको इसे कंटेनर में छान करके लेना है। तो आप देखिए मेरा जो यहाँ पर वाटर प्रिपेयर कर लिया है मैंने, इसे धीरे धीरे से मेहंदी के अंदर में आपको ऐड करना है, ठीक है। गर्म गर्म पानी ही अगर आप ऐड करोगे ना दोस्तों, तो कैसा होगा कि इस ये जो है ना आपका लम्स फ्री बनेगा, ठीक है। तो एकदम लम्स फ्री बनाना है। धीरे धीरे आप इस वाटर को, गर्म पानी को ही आपको इसमें मिक्स करना है। बहुत अच्छे से इसकी जो न्यूट्रिशन, जो कंडीशनिंग प्रोवाइड करने वाली जो होती है ना, जो तत्व, वो सारी चीज़ें इस मेहंदी के अंदर आपको ऐड कर देनी। मेक श्योर जटामासी आप जरूर लेकर के आइए। जटामासी से बाल काले होते हैं दोस्तों, मैंने आप लोगों को हमेशा अपनी वीडियोज़ में बताई है, ठीक है। अब देखिए इसे क्या करना है, ढक करके आप इसी तरह से रख दीजिए। आप 2 घंटे 3 घंटे जितना भी रखोगे और डार्कर शेड में ये चेंज होते जाएगा, ठीक है। देखिए इस तरह से ये कलर चेंज हो चुका है। 1 घंटे 2 घंटे आप जितना भी इसे यूज़ यू नो ढक करके रखेंगे, बहुत अच्छा कलर देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे प्री मैच्योर ग्रेइंग हेयर है मेरे हस्बैंड के बालों पे, मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और बहुत अच्छा सा रिजल्ट मिला है दोस्तों। अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा जो आपके प्री मेच्योर जो सफ़ेद बाल हैं ना, उसे काला बनाने के लिए ये सबसे बेस्ट DIY है। पूरी अच्छी तरह से इसे बालों पे अप्लाई कर लीजिए। 1 घंटे आप इसे रुक जाइए बालों पर अप्लाई करने के बाद। 1 घंटे के बाद अपने बालों को धो लीजिए, जो कि नेचुरल तरीके से आपके बालों को ये काला कर देगा। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा इस यूजफुल DIY को। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे, लव यू ऑल।